मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक अल्टीमेटली। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10th। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज इक्वलियर डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। किस मेथड को यूज करके, इक्वलियर डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225। इन दोनों में से जो स्मॉलर नंबर होगा उसको हमने एज अ डिवाइजर यूज करना है, और जो बिगर नंबर है उसको हमने डिविडेंड की तरह यूज किया है। यहाँ पर जब हमने 135 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आएगा 135। उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आया है, 90। जब हमारे पास 90 आया है, ये हमारे फर्स्ट डिवाइड के लिए तो रिमाइंडर यूज हो रहा है, लेकिन ये हमारे सेकंड डिवाइड के लिए क्या यूज होगा, डिवाइजर की तरह। 90 हमारा डिवाइजर है एंड 135 क्या है, हमारा डिविडेंड की तरह यूज होगा। जब हमने 90 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 90। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 45। फिर 45 एज अ डिवाइजर यूज होगा एंड 90 एज अ डिविडेंड की तरह यूज होगा। 45 मल्टीप्लाई बाई 2 90, हमारा आंसर क्या है, 0। जो हमने ये डिवाइड किया है उसके हम अब क्या करेंगे, स्टेप्स नोट करेंगे। स्टेप्स कैसे नोट करेंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। फर्स्ट केस में हमारे पास डिविडेंड क्या है, 225 इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 90। इन नेक्स्ट केस वी हैव 135 इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 45। इन लास्ट केस वी हैव 90। 90 क्या है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर है 45 मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट इज 2 प्लस रिमाइंडर। अब इसमें जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। इन नेक्स्ट डिवाइड वी हैव टू नंबर्स 196 एंड 38,220। हमने क्या करना है, 196 को एज अ डिवाइजर की तरह यूज करना है एंड 38,220 को डिविडेंड की तरह यूज करना है। जब हमने 196 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आएगा, 196। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आएगा 186। फिर हमने क्या किया, 2 को नीचे नोट कर लिया है, जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं। जब हमने 196 को 9 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 1764। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, 98 आया। फिर हमने इस जीरो को नीचे नोट कर लिया है। अब हमने 196 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 980। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, 0। तो ये डिवाइड हमने जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे ही किया है। बस इसमें ये है कि हमने स्टेप्स लिखने होंगे इक्वलर डिविजन लेमा के, क्योंकि ये एक ही डिवाइड है तो इसमें क्या स्टेप भी होगा, वो एक ही होगा। तो स्टेप वही होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है, 38,220 इक्वल्स टू डिवाइजर इज 196 मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट, क्वोशेंट क्या है 195 प्लस रिमाइंडर 0। तो जो हमारा डिवाइजर होगा, यहाँ पर डिवाइजर है 196, वही हमारा एचसीएफ कंसिडर किया जाएगा। इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 867 एंड 255। अब यहाँ पर हमारे पास स्मॉलर नंबर क्या है, 255। तो इसको हमने डिवाइजर की तरह यूज किया है एंड 867 को हमने क्या किया है, डिविडेंड की तरह यूज किया है। जब हमने 255 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आएगा 765। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आएगा 102। ये एज अ डिवाइजर यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 255 डिविडेंड की तरह यूज किया जाएगा। फिर हमने 102 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 204। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आएगा 51। 51 एज अ डिवाइजर यूज होगा डिवाइड के लिए एंड 102 जो होगा वो एज अ डिविडेंड यूज होगा। जब हमने 51 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आएगा, 102। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आएगा। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हमने अपना डिवाइड स्टॉप कर देना है और हमने स्टेप्स लिखने हैं। बाय इक्विलेट्स लेमा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। फर्स्ट डिवाइड में डिविडेंड है 867 इक्वल्स टू 255 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 102। इन नेक्स्ट डिवाइड वी हैव 255 इक्वल्स टू 102 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 51। इन नेक्स्ट एंड लास्ट डिवाइड वी हैव 102 एज अ डिविडेंड इक्वल्स टू 51 एज अ डिवाइजर, 2 इज एज अ क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर क्या है, 0। तो यहाँ पर जो हमारा डिवाइजर है 51 यूज हो रहा है, वही हमारा क्या है, एच। इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। हमने क्या करना है, हमने शो करना है कि जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो 6q+1
सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव के फॉर्म में होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने सपोज कर लिया ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, बी हमने कैसे डिसाइड करना है, बी हमने सिक्स, लेट ए इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस आर। और इक्वलर डिविजन लेमा में क्या होता है, आर की कंडीशन होती है कि आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड लेस देन क्या होता है, हमारा जो डिवाइजर होता है, यहाँ पर डिवाइजर क्या है सिक्स। तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यूज आएंगी, वो कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव। फिर जो भी हमारी आर की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में सिक्स क्यू प्लस आर वाली इक्वेशन में पुट करनी है। जब हमने पुट की तो ए इक्वल्स टू सिक्स क्यू आया जब आर जीरो था, जब आर वन है तो ए इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस वन, व्हेन आर इज टू ए इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस टू, व्हेन आर इज थ्री ए इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस थ्री, व्हेन आर इज फोर ए इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस फोर, व्हेन आर इज फाइव ए इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस फाइव। नाउ सी फ्रॉम वन टू एंड थ्री, हमें वन टू एंड थ्री में आर की वैल्यू क्या है, वन यहाँ पर है थ्री एंड इन दिस वी हैव फाइव। वी कैन से दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, देखो ये सारे ऑड है, वन थ्री फाइव ही ऑड इंटीजर्स है, ये कौन से फॉर्म में है, सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री एंड सिक्स क्यू प्लस फाइव। यहाँ पर हमारे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से हमें ये पता लगता है, वेयर क्यू इज सम इंटीजर, जहाँ पर क्यों क्या है वो इंटीजर है कुछ। And we have an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to be marched in the same numbers of the columns. What is the maximum numbers of columns in which they can march? हमारे पास क्या है, आर्मी कंटेंजमेंट में 616 मेंबर्स हैं, उनको मार्च करना है बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, 32 मेंबर्स के बिहाइंड उनको क्या करना है, मार्च करना है परेड में। जो टू ग्रुप्स हैं आर द मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम, उसमें सेम नंबर्स ऑफ कॉलम्स है और हमने क्या करना है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, एच सी एफ फाइंड करेंगे। हमने क्या किया, जो स्मॉलर नंबर है 32 उसको एज अ डिवाइजर यूज़ किया, 616 को हमने क्या यूज़ की है, डिविडेंड की तरह। जब हमने इसको डिवाइड किया 32 मल्टीप्लाई बाय 1 32, फिर सब्ट्रैक्ट किया 32 मल्टीप्लाई बाय 9 288, फिर हमने क्या किया माइनस किया तो आंसर 8 आया। जो 8 है वो फर्स्ट डिवाइड के लिए रिमाइंडर की तरह यूज़ हो रहा है, लेकिन हमारे सेकंड डिवाइड के लिए ये डिवाइजर की तरह यूज़ होगा, एंड जो 32 है वो डिविडेंड की तरह यूज़ होगा। 8 इंटू 4 32, आंसर क्या आ गया, जीरो। जो हमारा आंसर जीरो आ गया तो ये यहीं पर हमने अपना डिवाइड रोक देना है। बाय इक्वलेट एल्गोरिथम, हमारे पास इक्वलेट एल्गोरिथम के थ्रू क्या है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर डिविडेंड किसके इक्वल है, 660 इक्वल्स टू डिवाइजर है 32 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चेंट है 19 प्लस रिमाइंडर है 8। इन नेक्स्ट केस वी हैव डिविडेंड 32 इक्वल्स टू डिवाइजर इज 8 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चेंट इज 4 प्लस रिमाइंडर 0। तो जो हमारा डिवाइजर होता है, यहाँ पर डिवाइजर है 8, वही हमारा क्या होगा, एच सी एफ। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज 8। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वी हैव यूज इक्वलियट्स डिविजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। हमें क्या करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है और बताना है कि वो किसके इक्वल आएगा, 3m और 3m प्लस 1। इसके लिए हमने क्या किया, सपोज कर दिया लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि जो a है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। b हम कैसे डिसाइड करेंगे, b हम अपने डिवाइजर के थ्रू, यहाँ पर b क्या है 3, तो हमने क्या डिसाइड कर लिया, 3। बाय इक्वलियर डिविजन लेमा, इसमें लेमा लगाना है, a इक्वल्स टू 3q प्लस r एंड वेयर q इज सम इंटीजर, जो q है वो इंटीजर है एंड आर जो है वो रिमाइंडर है, और रिमाइंडर की कंडीशन क्या है, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड लेस देन थ्री। तो रिमाइंडर कौन कौन से वैल्यूज ले सकते हैं, जीरो वन एंड टू। जब हमारा रिमाइंडर जीरो है तो हमारी ए किसके इक्वल आएगा, 3q। जब रिमाइंडर वन है तो ए किसके इक्वल आएगा, 3q प्लस वन। जब आर टू है तो ए किसके इक्वल आएगा, 3q प्लस टू। लेकिन ये क्या है, ए की वैल्यूज है, पर हमें क्या शो करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसके लिए हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर, हमने इसको किसके इक्वल शो करना था, 3m। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको 3 इसमें से कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, 3q स्क्वायर। जो हमारे ब्रैकेट के अंदर है उसको हमने पुट करना है m के इक्वल, तो आंसर क्या आएगा, 3m। इन नेक्स्ट केस वी हैव ए
स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री क्यूब प्लस वन का होल स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए हम आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहाँ पर ए क्या कंसीडर करेंगे, थ्री क्यू, एंड बी क्या करेंगे, वन। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर थ्री क्यू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई बाय थ्री क्यू प्लस वन। फिर नॉर्मली हमने इसको स्क्वायर्स ओपन करने हैं, थ्री थ्री द नाइन एंड क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन एंड थ्री टू द सिक्स, तो सिक्स क्यों आ गया। फिर हमने इसको थ्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो हमने थ्री इसमें से कॉमन ले लिया, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू इसमें से। जब हमने थ्री कॉमन लिया तो इसके ब्रैकेट के अंदर क्या रिमेनिंग रह जाएगा, थ्री क्यों स्क्वायर प्लस टू क्यों प्लस वन। जो हमारा ब्रैकेट के अंदर है उसको हमने एम पुट करना है, और हमारा आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री एम प्लस वन। इन नेक्स्ट केस वी हैव ए स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री क्यू प्लस टू का होल स्क्वायर। इसमें भी हमने सेम आइडेंटिटी यूज करनी है, वो कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। हमने क्या करना है, थ्री क्यू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर प्लस टू मल्टीप्लाई बाय थ्री क्यू प्लस टू। फिर हमने सिंपल स्क्वायरिंग ओपन करनी है, नाइन क्यू स्क्वायर प्लस फोर प्लस ट्वेल्व क्यू। फिर हमने क्या करना है, इसमें से भी थ्री कॉमन लेना है। देखो फर्स्ट वैल्यू में से तो थ्री ले सकते हैं, सेकेंड में से भी ले सकते हैं, लेकिन फोर में से नहीं ले सकते ना हम थ्री कॉमन। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया थ्री प्लस वन में। अब तो हम कर सकते हैं, फोर किसके इक्वल होता है, थ्री प्लस वन ही होता है। फिर हमने थ्री कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या बच गया, थ्री क्यू प्लस वन प्लस फोर क्यू प्लस वन। एंड जो हमारा वन रिमेनिंग रह गया था फोर में से, उसे हमने ब्रैकेट के बाहर रख दिया। जो हमारे हमने ब्रैकेट में रखा है उसको हम एम के इक्वल रखेंगे, एंड सारी वैल्यू को थ्री जो ब्रैकेट के अंदर उसको एम के इक्वल रख के लास्ट में ये क्या आ जाएगा, वन। फ्रॉम वन टू एंड थ्री वी हैव द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म थ्री एम और थ्री एम फॉर सम इंटीजर एम। इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव यूज इक्वलियर डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म सिक्स नाइन एम, नाइन एम प्लस वन और नाइन एम प्लस एट। ये क्वेश्चन भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें क्या करना है, हमें क्यूब करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, स्क्वेयरिंग की है। सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू थ्री। नॉर्मली हम जो m है उसका कॉफिशियन लेते हैं, लेकिन अगर जब हम इसका क्यूब करेंगे तो हमारे पास एक ग्रेटर वैल्यू आएगी, और थ्री का क्यूब करने पे हमारे पास ईजी वैल्यू आएगी, और ये थ्री से भी सॉल्व किया जा सकता है। बाई इक्वलियर्स डिविजन एल्गोरिथम ए इक्वल्स टू थ्री क्यू प्लस आर, सेम इसको हमने डिवाइजर यूज करना है यहाँ पर। और क्यों क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड r की वैल्यू क्या है, r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड लेस देन थ्री। फिर हमने क्या किया कि r कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, इस कंडीशन से r ले सकता है जीरो वन एंड टू। व्हेन r इज जीरो a इक्वल्स टू थ्री क्यू, व्हेन r इज वन a इक्वल्स टू थ्री क्यू प्लस वन, व्हेन r इज टू a इक्वल्स टू थ्री क्यू प्लस टू। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यूब ऑन बोथ साइड, हमें क्या करना है, क्वेश्चन में तो हमें a निकालने के लिए नहीं कहा था, हमें क्या कहा था, क्यूब करना है हमने एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो हमने अपने क्वेश्चन में फर्स्ट वैल्यू का, सेकेंड वैल्यू का एंड थर्ड वैल्यू का, तीनों का क्यूब करना है। इन केस नंबर वन वी हैव a क्यूब, हमने ए क्यूब किसके इक्वल है, थ्री क्यों क्यूब के इक्वल। फिर हमने इसका क्यूब किया तो आंसर आएगा 27 क्यों क्यूब। ये इस किसके इक्वल है, नाइन, और जो ब्रैकेट के अंदर रिमेनिंग रह जाएगा वो क्या है, थ्री क्यों क्यूब। जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हमने एम पुट करना है, और हमारा इक्वेशन जो कि वो नाइन एम की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगी। इन नेक्स्ट केव यू वी हैव टू यूज ए क्यूब इक्वल्स टू थ्री क्यों प्लस वन का क्यूब। अब इसका क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी एंड ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो फर्स्ट वैल्यू का क्यूब, सेकेंड वैल्यू का क्यूब प्लस थ्री ए, ए क्या है थ्री क्यों प्लस वन, फिर ब्रैकेट में थ्री क्यों प्लस वन है। फिर हमने इसका क्यूब ओपन किया, ए क्यूब इक्वल्स टू 27 क्यों क्यूब प्लस वन प्लस 27 क्यों स्क्वायर प्लस नाइन क्यों। सिंपल हमने ब्रैकेट ओपन किए हैं सारे। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू टेक कॉमन, हमने नाइन कॉमन लेना है, नाइन वन को हमें साइड में लिख के नाइन कॉमन लेना है। तो इसके ब्रैकेट के अंदर क्या रिमेनिंग रह जाएगा, थ्री क्यों क्यूब प्लस थ्री क्यों स्क्वायर प्लस क्यों। जो भी हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसको हमने एम पुट कर देना है, और हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगी, नाइन एम प्लस वन। इन केस नंबर थर्ड वी हैव ए क्यूब, ए क्यूब किसके इक्वल है, थ्री क्यों प्लस टू का क्यूब। इसमें भी सेम आइडेंटिटी यूज होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी। तो हमने क्या किया, थ्री क्यों का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री क्यों मल्टीप्लाई बाय टू, ब्रैकेट के अंदर है थ्री क्यों प्लस टू।
फिर ए क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, सिंपल हमने ब्रैकेट ओपन्स करनी है, 27 क्यों क्यूब प्लस 54 क्यों स्क्वायर प्लस 36 क्यों प्लस 8। फिर हमने कॉमन लेना है इसमें से 98 को, बाहर अपने साइड में लिख नोट कर लेना है। जब हमने इस सारी इक्वेशन में से 9 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, 3 क्यों क्यूब प्लस 6 क्यों स्क्वायर प्लस 4 क्यों, वेयर जो ब्रैकेट में है वो क्या है m, उसको हमने m पुट करना है। m किसकी इक्वल है, 3 क्यों क्यूब प्लस 6 क्यों स्क्वायर प्लस 4 क्यों। और हमारी जो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो कैसे रिप्रेजेंट हो जाएगी, 9m प्लस 8 की फॉर्म में। फ्रॉम दीज केसेस, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3, वी हैव, इट इज प्रूव्ड दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, वो कैसे दिखेगा, इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड विद मी।